आओ बच्चों, तुम्हें दिखाया हाँ जी का रिएक्शन, है ना? देखना चाहोगे? देखो, हाँ दिखाओ। हाँ बैठे बैठे क्या करो, रिएक्शन ही देखो, हंस जी का सर ये रिएक्शन। भी एक्सचेंज के लिए ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उसी में है, ठीक है, ये भी उसी में है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन हो जाता है, हंस जी का रिएक्शन। और इसमें जो भी हम सीखेंगे वो आगे काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना, ये सारे रिएक्शन से थोड़ा थोड़ा अलग है। अच्छा, इस रिएक्शन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इसको कहीं कहीं बुक में लिखा रहा था बोरोडीन हंस जी का रिएक्शन, तो वो लिख लो तुम, हम यहाँ बोरोडीन लिख देते हैं, बाकी अपना आगे का कहानी बना दो, हंस जी का रिएक्शन, ठीक है। ये किसके लिए होता है भाई, एक्सक्लूसिव किसके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड, गॉट इट। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें काफी अच्छा चीज हो गया, क्या होगा, काफी ही अच्छा चीज होगा। देखो इसमें हम लोग यूज करेंगे सिल्वर सॉल्ट, क्या यूज करने वाले, पहले इसको लिखो, काफी अच्छा चीज है, ध्यान से समझने वाली चीज, हम लोग इसमें यूज करेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटलिसिड। समझ में नहीं आया ये है क्या, कुछ अजीब सा लगा, है ना, दिखाते हैं कैसे। फैटी एसिड एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीन फैटी एसिड मिलकर बनाते हैं ग्लिसरॉल, सॉरी फैटी एसिड मिल तीन तीन ग्लिसरॉल मिलकर फैटी एसिड बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड एसिड उसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हां कार्बोक्सिलिक एसिड, आजकल उल्टा ही बोल रहे हैं ज्यादातर, कोई बात नहीं। तो हमने ले लिया RCOOH, फैटी एसिड एक्चुअली तीन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं ट्राई ग्लिसरॉल, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड, हमने ले लिया RCOOH, R में ना देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाने वाले हैं, सिल्वर सॉल्ट, क्या बनाने वाले हैं, सिल्वर सॉल्ट। अच्छा सॉल्ट कैसे बनता है, कौन बताएगा भाई, दृष्टि खुशी बताओ, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस के रिएक्शन से बनता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बोलो बोलो, कम ऑन। सर एक बार फिर से बताना प्लीज। अरे यार सॉल्ट कैसे बनता है, कौन मुझे बताएगा सॉल्ट कैसे बनता है, सब अभी एकदम तो शांति से बताया बैठे, आपने, सॉल्ट कैसे बनता है, पर अभी आपने तो बोला जब कि वो एसिड एसिड और बेस बेस को रिएक्शन से ही रिएक्ट बनता है, करा दो, तो एसिड और बेस सॉल्ट को और रिएक्ट पानी मिलता कराओ, है। पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उससे बन जाएगा सॉल्ट, सबसे इजी मेथड। तो क्यों ना हम इस एसिड को किसी बेस से रिएक्ट कर लें, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है बताओ, वो तो बेस होता है ना, बेस क्लास 9 10 7 6 5 4 में पढ़े होता हो गए, है ना, तो वो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस। अब एसिड। यहाँ है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये क्या बेस, अब बताओ एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर दे देगा क्या, यस वाटर। इसमें से हाँ हमें पता है कि एक बेस क्या लूज करना चाहता है, हमेशा OH नेगेटिव, क्या लूज करना चाहता है, OH नेगेटिव। अब अगर यहां से OH नेगेटिव लूज होगा तो ये Ag प्लस बचेगा, सिल्वर प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा, यस सर। हाँ तो इसका सर। OH फ्री करो ना तुम लोग, OH फ्री करो, OH नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर टच चाह रहे हैं। और एक अच्छा एसिड हमेशा H प्लस देना चाहता है, तो COO के ऊपर नेगेटिव आया, यहाँ पे H प्लस, H प्लस और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, H2O, टू बताओ बताओ, बोलो बोलो, और यहां पर सॉल्ट बन जाएगा क्या, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बोलो, बोलोगे बन तो जाएगा सर। बस बना दो ना, बना दो, बना, यस सर। तो वो क्या एक सॉल्ट सॉल्ट बना दिया। तो बना दिए, किसका सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया, सिल्वर लगा दिए, खत्म। अब बताओ
ये चीज समझ में आ गया? ये चीज कहां से आया ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, what is your doubt? Come on. डाउट कुछ नहीं, बस ये पूछना था कि AG के ऊपर जो साइन है वो प्लस ही लिखा है ना अपने, तो मुझे माइनस दिख रहा है। अच्छा भाई मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज रहता है, भूल गई क्या? प्लस 5-6 नहीं सर, पता है मुझे। तो सीधा हम 5-6 पे उतर जाते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा सवाल पूछा करना है ना, फिर तुम्हारा स्कूल का नाम घसीटा जाएगा है ना, कौन सा स्कूल है, और फिर से तुमको अजीब लगेगा। तो ये हो गया हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हमारा हो गया सिल्वर सॉल्ट ठीक है ऑफ फैटी एसिड। अब हम क्या करने वाले हैं, वही काम ठीक है, क्या काम? हैलोजन एक्सटेंशन, लेकिन इसमें प्रोडक्ट काफी अजीब बनने वाला है, ये हटा दे क्योंकि मैं नीचे लिखने वालों में से हूं, मैं ऊपर लिखूंगा, ये हटा दे। कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग इंग्लिश में। यस सर, यस अच्छा हाँ, दीपिका और वो इंग्लिश में बोलिए, प्रियंका वो स्कूल का इफेक्ट है और कुछ नहीं है ना, राइट? नहीं सर, मैं शुद्ध हिंदी में भी बोल सकती हूँ, आप चैलेंज करो, वो तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तुम बोल सकती हूँ है ना, लेकिन स्मृति आज से मैं बोलूंगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है ठीक है, नॉर्मल भी रह सकती हूँ। अब देखो यहाँ सिल्वर सॉल्ट ठीक है, यहाँ सिल्वर सॉल्ट ले लिए, नॉर्मल कहाँ से लगती है, यहाँ से ब्रोमीन ले ली, हिंदी बोलते हुए नॉर्मल होता है ऐसा है? यहाँ देखो क्या क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ देखो हमने सिल्वर सॉल्ट लिया, ब्रोमीन लिया, किसके प्रेजेंस में? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, याद आया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में ले लिए। अब क्या करेगा, सबसे पहले हमको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना था ना, यहाँ पे हम वो नहीं बनाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ से CO2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? CO2, लो CO2 निकालेंगे। अब जब CO2 निकल जाएगा तो अब हम बनाएंगे अल्काइल ब्रोमाइड, क्या बनाएंगे? अल्काइल ब्रोमाइड। क्या तुम लोग एक बात मुझे बताओगे कि अल्काइल ब्रोमाइड में एक कार्बन का कमी हो जाएगा जो इस चेन में था? बोलो बोलो बताओ। yes, तो कम कर दो ना, हम सीधा RBr लिख दे, लिख दे। अब बचा क्या इस पूरे प्रोडक्ट में? Br, एक Br यूज हो गया ठीक है, Ag बचा हुआ है, CO यूज हो गया, R यूज हो गया, तो AgBr हो जाएगा, एक Br बचा है ना। बोलो एक और प्रोडक्ट बना दे, बाय प्रोडक्ट AgBr, बोलो बना दे। तो बना दिया लोग, कुछ चमका तुम लोगों को? इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ चेन, इसको क्या कहते हैं? नीचे हटा दे, इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ चेन। अब तुम पूछोगे कि इसका मतलब क्या है, क्या इसमें कार्बन का कमी नहीं हो रहा है? अब मान लो हमारे पास इथाइल ब्रोमा, सॉरी क्या था, हम मान लेते यहाँ पे चार कार्बन था, अब तीन ही बचा, तो एक कार्बन का कमी नहीं हो गया क्या? इस पॉइंट को चाहो तो ब्रैकेट में कैद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे, पहले ही बता दिया, और उस वक्त हम बोलेंगे याद करो तो भूल मत जाना। इसको कहते हैं डिसेंट ऑफ चेन, चेन में कमी हो गया कि नहीं कार्बन का? हो गया। क्या लग रहा है, अपना क्या लग रहा है तुम लोगों को? लग रहा है सर, हो गया। कार्बन का कमी, एक कार्बन का कमी, और अगर कार्बन किसी चीज में बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं असेंट ऑफ चेन, क्या कहते हैं? असेंट ऑफ चेन, वो भी हम दिखाएंगे। स्मृति, स्मृति यस सर, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ आ रहा है। क्या तुम मुझे एक जवाब देना चाहोगी? हाँ सर। तो दो ना जवाब, तो पूछ रहे थे, क्वेश्चन तो बताइए। यही है सवाल भाई, घिसा पिटा है ना। जल्दी से मुझे प्रोडक्ट दो इसका, जल्दी, कम ऑन क्विक, कम ऑन। तो सही है। हाँ सर रुको, तो अभी लिखा है अभी। अरे तुम कॉपी पे मत लिखा करो, पहले जवाब दे दिया करो, फिर कॉपी वॉपी पे अपना लिखना, ताकि फेयर रफ फेयर ठीक है।
And Khushi Drishti, tum log jawab nahi de rahi ho, very bad. This was not expected from you guys. Sir, C2H5. Very good, very good. C2H5. OH. Plus RBR. Plus RBR. Okay. अभी रुको. Oh my goodness. गलत है, पता है मुझे. ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये भयंकर है. ये भयंकर है. रेवती क्या? कोई नहीं. क्या? Yes, sir. क्या जवाब दोगी तुम रेवती? सर C2H5Br plus CO2 plus AgBr. सब गलत क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कार्बन का एक कमी करना है. अच्छा हाँ, एक कार्बन का तुमने कमी किया, चलो सही है. सी से चला गया ना. वेरी गुड. लेकिन एक बात बताओ स्मृति, तुम क्यों गलती की हो? सबसे पहले CO2 तुमको निकालना था, फिर बचा C2H5, उसमें एक ब्रोमीन जोड़ना था, फिर एक ब्रोमीन बचा तो AgBr लिखना था. ये क्यों गलती की तुम? क्यों ऐसा की हो बताओ? समझ में नहीं आ रहा. नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी. ये आर की जगह हमने क्या किया था? बीआर जोड़ दिया, CO2 को हटा दिया. हमने यहाँ CO2 को हटा दिया, आर की जगह यहाँ C2H5 है, तो C2H5 बीआर कर दी. बस CO2 को तो हटाना था. तुम ऐसा कैसे कर सकती हो स्मृति? यस सर. वेरी बैड, दिस इज रियली वेरी बैड. और मुझे बहुत गुस्सा आया. बोलो क्या करें? सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, मैं उसे ट्राई करूंगी. गुस्सा आया तक एग्जांपल दे दीजिए. वाह वाह वाह. मतलब अरे अरे अरे, मतलब ये वाला क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दे दीजिए. अच्छा, ये जो रिएक्शन हुआ है, जो मतलब प्रोडक्ट बताया है, रेवती तुम बताइयो ना. यस सर. गलत बता दी तुमने, बोला ही नहीं कि सर यहाँ पे Cl4 भी डालिए, CCl4 है ना, तो ये सब ज्यादा ध्यान दे देना है ना. तुम्हें नहीं लगता है कि वो देना चाहिए था रेवती? सर मैंने तो लिखा था, बोल पे ध्यान नहीं दिया. अपने मन से, यानी एग्जाम में देखो कितना चला के ये लड़की. एग्जाम में आएगा सवाल कुछ और, ये अपना वहां पे लिख देगी कि मैंने तो अपना कॉपी पे लिख लिया था सवाल, मैंने तो उसमें डाल दिया था ये चीज, है ना रेवती? यही लॉजिक है ना? बहुत बार हो चुका है सर ऐसे. हाँ तो ये गलत है, ऐसे में तुम्हारा नंबर वंबर कट जाएगा. सोच लो फिर, काफी गलत हो सकता है. हम नहीं चाहते कि किसी का नंबर फ्री में कटे आता हुआ चीज. जल्दी बताओ स्मृति कुमारी, तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए, जल्दी समान. CCl4 क्या है? क्या बोल रहे हो? मतलब CCl4 क्या है? अभी मैकेनिज्म इसका बताएंगे. क्यों इतना टेंशनाइज्ड हो? अभी इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे. क्या चाहता है वो भी हम बताएंगे. सर क्या बोलूं? बोलूं? बोलो. CO2 प्लस CH3 BR प्लस AgBr. कुछ चमका तुमको? बताओ. हाँ सर. क्या इतना डांट दिया तो डांटे तो बिल्कुल भी नहीं है. तब तो मेरा डांट देखी नहीं हो. आई बिलीव इन मेंटल ड्रामा. ठीक है, यू नो तुमको तो पता ही है. ये हटा दे, हम डांट पीट इसका विश्वास नहीं है. ये तो बच्चों वाला चीज है कि उसने मुझे टिकटॉक पे डांटा है ना, ये सब नहीं. सर यहाँ टिकटॉक यूज मत करो ना, कितनी अच्छी बच्ची. सर ये बच्ची को क्या बोलूं अब. कौन है बच्चा? रेवती. अरे अच्छा बच्चा है ये. ओह माय गॉड. सर मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ. लगती तो नहीं हूँ. जैसे ही तुम्हारे आगे नाम के आगे टिकटॉक लग गया, नाम के पीछे बस हो गया, काम खत्म, वही थे, हो गया. सर मेरा स्मृति कुमारी कोई आगे है पीछे नहीं, वो तो आप लोग लगा देते. पता नहीं क्या देख लिए. तुम्हारी टिकटॉक वाली है ना, यही है ना. अरे सर बस बस बस.
बस हो गया फिर। जैसे टिकटॉक जिसके आगे लगा या पीछे, वहां उसका काम वहीं पे खत्म है ना, मेरे नजर में। पर कितनी सही थी मैम, मतलब क्या हूँ, टिकटॉक 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 हर चीज में हर जगह। तुमने काफी गलत प्लेटफॉर्म पर चुन लिया था, गाइड किसी ने किया नहीं था, अगर, जब गाइड किया तो मैंने छोड़ दिया था। एक बात बताओ, गाइड नहीं किया, जब तुम आते थे तो तुमको बोलते नहीं थे कि मत यूज करो, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था सर, इनफैक्ट क्रिस्टल सर को मैंने दिखा कर उसी समय डिलीट भी किया था। वो भी यूज करता था तो उसका छोड़ो ना। तुम्हारा कितना फॉलोअर था भाई, दबे 50-100 तो तुम्हारा भी होगा, 150। जीरो 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 जीरो, मेरी आईडी प्राइवेट है, खुद ही बनाती थी अपने लिए, देखती थी बस डिलीट कर देती थी अपनी। पता नहीं आपको छेड़ते क्यों थी, काफी सही पता नहीं क्या सकते आप, हम लोगों को फिर क्यों दिखाती थी। डांस वांस कर रहे हैं, गाना वाना गा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तुम बोलोगे भाई ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, काफी बिजार लग रहा होगा देखने में, है ना क्यों बच्चों? Yes, तो वो इस ये जो एजी सिल्वर, एजी है ना सिल्वर, ये ब्रोमीन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल बहुत ही कम नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में आया? आया समझ में? Yes, और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया थोड़ा सा इधर की ओर, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये निकल लेगा एजी बी आर के साथ, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्या होगा, ये एजी बी आर के साथ निकल लेगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर कौन जुड़ेगा? ब्रोमीन। कौन जुड़ेगा यहाँ पर आकर बच्चों? ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन, ठीक है। तो आओ एजी बी आर, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कैसे बनेगा? C2H5 कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि तुम्हें पता है ना? क्या ये होता है क्या, बोलो सही है ना? अब उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये पहला स्टेप था, हम उसी चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। CCl4 याद है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्लोरीन का जो ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया? जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में आग लगा के इन दोनों को बोलेगा कि भाई तुम दोनों सेपरेट हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। समझ में आ रहा है? क्या होगा, बोलेगा कि तुम दोनों अलग अलग, ठीक है। तो इसका वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके पास इसका वाला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास इसका वाला इसके साथ, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, ये ऐसे दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब क्या ये फ्री रेडिकल नहीं बन गया, बोलो? ये बताओ बताओ, बन गया। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के इफेक्ट में, ठीक है। क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से, ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, होमोलाइटिक फिजन होता है। कैसा होता है? होमोलाइटिक फिजन, सब CCl4 की वजह से, जिसकी वजह से ब्रोमीन भी क्या हो जाता है, एक रेडिकल बनेगा। अब तुम्हें पता होगा कि इसका एंट्रोपी काफी सही है, काफी ज्यादा है, और कोई भी अपना एंट्रोपी मिनिमम रखना चाहता है, एनर्जी, ठीक है, टोटल थर्मल एनर्जी का हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहां से CO2 को फ्री कर देगा, बोलेगा तू निकल ले भाई, देखो C2H5 CO यहां से, ये क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा, बोलेगा तू CO2 निकल ले, तो निकल लिया CO2, और ये बच जाएगा C2H5 रेडिकल। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर बना देगा C2H5Br। क्या बनाएगा बच्चों? ये दोनों रेडिकल मिलकर बना देगा C2H5 + Br
मिलकर बनाते हैं C2H5 दिया है। वैसे एक बात बताएं कि तुम्हें ये याद रखने का जरूरत नहीं है ये मैकेनिज्म, अगर बहुत ज्यादा याद रखना है तुमको तो ये चीज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या याद रखना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। हमेशा तुमसे जो भी सवाल पूछा जाएगा जीवन में, ठीक है, मतलब कि 12th के लेवल तक, तो उसका तुमको काम चल जाएगा मैकेनिज्म कौन सा वाला हो रहा है उससे, या फिर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा, बस उतना ही से। और बाकी इधर उधर जो अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन, ये सब देखे हो ना, बोलो उस सब से काम चल। इतना मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा ना याद रखने के लिए बोले तो, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर रीअरेंजमेंट के बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो, और किस तरह का मैकेनिज्म है, और नेम रिएक्शन में नेम, बस उससे तुम्हारा काम क्या होगा चल जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? नेम रिएक्शन में नेम का मतलब, हाँ नेम रिएक्शन में नाम का पता होना जरूरी है। समझ में आया स्मृति? समझ में आ रहा है कुछ? तो वो मैथी मेरे को समझ आ गया। डीप सिखाती सर, वो उसे समझ नहीं आया, फिर से बताओ। समझ आ गया, आ गया। पूछो तुम्हारी, पूछो पूछो। अरे सर समझ आ गया। क्या पूछ रही हो प्रियंका? वेरी बैड। सर एक बात बताओ, नेमिंग रिएक्शन क्या होता है और दूसरे वाले टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं? नेमिंग रिएक्शन कुछ नहीं होता भाई, किसी साइंटिस्ट के नाम पे नेमिंग रिएक्शन का और क्या। हे भगवान, बस इतनी सी बात? हाँ ये लिख लिया, बोलो। हाँ सर लिख लिया। एक सवाल दे छोटा सा, तो सर एक छोटा सा सवाल हो जाना चाहिए, है ना? तुम लोग बोले यस सर काफी चाहिए, है ना? जैसे अभी आप कुछ भी सा दोगे नहीं, हाँ छोटा ही एक अभी, जैसे कि यह सवाल हम जानबूझ के दे रहे हैं, हमको देने का कोई इच्छा नहीं था, मन बिल्कुल नहीं था। अब कल सीधा प्रॉपर्टीज पढ़ाते, बट रेवती ने मुझे उकसाया है इस सवाल के लिए। मतलब तो रेवती को ही इसका जवाब देना पड़ेगा, उसी ने मुझे। सर मैंने क्या कर दिया? अभी पता चलेगा देखा। RCOOH तुमने डाउट पूछा? नहीं डाउट नहीं पूछा, ये अपने मन से यहाँ पे CCL4 मान ली, अपने मन से मान ली। और क्या बोली थी सर? मैंने तो लिख लिया था, है ना, यही बोली थी ना रेवती, बोली क्या तो सर मान लिए कि वहाँ पे CCL4 है, मैंने अपने खुद भी लिखा। तो इस बार हम इसमें हीट डाल देते हैं, गर्मी। अब बस ऑफ प्रोडक्ट हम जानबूझ के ये लिखवा रहे हैं ताकि तुम लोग गलती कभी मत करना है सर, ये चीज ध्यान देना, CCL4 है, हीट है, क्या है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ईस्टर। तुमको नहीं लगता यहाँ कार्बन एक बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया यहाँ पर, इसको कहते हैं ऐसे, क्या कहते हैं? पर ये कार्बन आया कहाँ से? वो आया था। अरे यार बता रहे हैं बेटा। और यहाँ पर बनेगा CO2, क्या बनेगा यहाँ पर? CO2, और साथ में बनेगा AGI, क्या बनेगा? AGI। तो ये तो दो कार्बन नहीं पड़ गए? अब कर दो इसको बने 2RCOR, और वहां पे AGI में लगा दो 2AGI, हो गया खत्म। इंटेलिजेंट हम, इसका चाहे तो मैकेनिज्म में दिखा सकते हैं अगर चाहो तो। ये इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले खट से बना लो, ठीक है, ये हो गया ऐसे ही नीचे, ठीक है। हम इसमें ऐड कर देंगे I2, हीट। इसमें हम क्या कर देंगे? I2 प्लस हीट। चलो इसमें I2 हीट करोगे, सबसे पहले तुमको निकालना होगा CO2, कोई भी एक CO2 पकड़ के खींच के निकालो। वैसे इस रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है, याद नहीं भी कर सकते, बट ये याद रखना कि इसका फर्क पड़ता है, यहाँ CCL4 है क्या, ठीक है। CO2 निकाल दिए, ठीक है। CO2 के बाद हमें क्या निकालना है? AGI। AG कितना निकालना है? दो। और I कितना निकालना है? दो, है ना, तो निकल गया ऑटोमेटिक 2AGI, दो। सब कुछ खत्म। अब बचा क्या?
ये हटा दो, ये सब हटा दो, ये आर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा सीधा, आर सी ओ आर हो जाएगा, है ना? टच्चू हो गए। तो एक बार फिर से बता दो स्मिति, दीपशिखा, स्मिति। हाँ सर अभी ठीक हो गए। हाँ, हम बोल रहे हैं कि CO2 निकाल दिया यहाँ से, लो CO2 निकाल दिया वहां, AG 2 AG और 2 I है, तो I2 भी निकाल दिए, AG भी निकाल दिए। हो अब ये R यहाँ पर लगा, खत्म, RCO। यस सर समझ आ गया, आ गया सर समझ। हाँ वैसे समझने वाली चीज नहीं थी, रेवती तुम्हारे लिए था, और वैसे इस रिएक्शन का एक नाम है पता है, बड़ा अजीब सा नाम है, इसका नाम है बेंड बॉम्ब सिकोनिनी रिएक्शन, ठीक है? कौन सा बॉम्ब? बेंड बॉम्ब सिकोनिनी, इसका नाम था सर, ये भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है? नहीं मेरे नाम, मेरे घर का नाम नहीं। क्या था सर? अच्छा है सर, काफी अच्छा, अजीब अजीब नाम सर, क्या बात कर दी आपने। मेन चीज ध्यान देने वाला ये याद रखना, इस चीज को भूलना मत गलती से भी, रेवती याद रखोगी क्या? अपने मन से तुम बोलोगी सर हम डेल्टा कॉर्ड डाल दिया हमने, सीसीएल कॉर्ड मान लिया। हां नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत कर लेना कभी गलती से भी, ये बहुत बड़ा पाप होता है, मालूम है ना? यस सर। हां नहीं, स्टैचू। गुड नाइट, ओके बाय।